नमस्कार, मैं ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चलने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप कल यानी 15 मई से लागू होने वाली नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल टाल चुका है। इसका मतलब है कि किसी भी यूजर का अकाउंट अब डिलीट नहीं किया जाएगा, मगर कंपनी ने यह भी बता दी है कि अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करता तो समय के साथ साथ उन व्हाट्सएप यूज़र की फंक्शनलिटी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता के मुताबिक जो लोग प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वे व्हाट्सएप से जुड़ी कई सर्विसेज का यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कंपनी उन्हें लिमिटेड फंक्शनलिटी मोड में डाल देगी। ये व्हाट्सएप यूज़र अपनी चैट लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यूजर्स वॉइस कॉल और वीडियो कॉल ना ही कर पाएंगे, ना ही उसका जवाब दे पाएंगे। इसके साथ ही व्हाट्सएप आपको फ़ोन पर मैसेज और कॉल भेजना बंद कर देगा और यूजर्स अपने व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़े या रिप्लाई नहीं कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी अब उन यूजर्स के अकाउंट की फैसिलिटी या फीचर्स को सीमित कर देगी जो प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए व्हाट्सएप नई गोपनीयता नीति के बारे में उपयोगकर्ताओं को रिमाइंडर भेजना जारी रखेगा। व्हाट्सएप पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वालों को सभी कॉल और मैसेज प्राप्त होना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि यूजर्स को नई नीति को स्वीकार करना ही होगा, वरना वो आपका अकाउंट खो देंगे। इससे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप अभी भी उपयोगकर्ताओं को नई गोपनीयता नीति को स्वीकार करने पर विचार करने के लिए अधिक समय देना चाहता है। वहीं व्हाट्सएप यूजर्स जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर्स इन पॉलिसी को एग्री नहीं करता तो वह अपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, हालांकि बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल घोषित किया था।